नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के आज होने वाले इजलास के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजमूई तौर पर 350 से ज्यादा अहलकार और अफसरान तैनात होंगे। इस बारे में मजीद जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आज़म रहमान से, जो असेंबली में मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का आज पहला इजलास होने जा रहा है, जिसके सिक्योरिटी इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। 350 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार जो है वो ड्यूटी पर असेंबली के अंदर और बाहर जो है वो तैनात हैं। 2 SPs की निगरानी में जो एहलकार हैं वो ड्यूटी पर मामूर हैं। और ये आपको बताऊँ कि मुख्तलिफ फोर्सेज की जो खिदमत है वो यहाँ पर आज ली जा रही है, जिसमें अलबर्ग, ATS, इसके अलावा जो दीगर है सिटी पेट्रोल वगैरह के जो एहलकार हैं वो भी यहाँ पर तैनात होंगे। इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। जो हाईकोर्ट के पर जो कार पार्किंग होती है, आज वहाँ पे भी किसी को जो है खड़े होने नहीं दिया जा रहा। और पुलिस की बाई नफरी इस वक्त असेंबली पहुंच चुकी है और ड्यूटी जो है वो अंजाम दे रही है। जी